शिव भगवान वाच्य है। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हैं। रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे, यह रूहानी लीला अनुभव करो। इस सेवा में विशेष साइलेंस पावर चाहिए। साइलेंस पावर असंभव को भी संभव कर देती है। साइलेंस की शक्ति से दूर के दृश्य को भी नजदीक से देख सकते हैं। अंत के समय में इसी शक्ति द्वारा सेवा होगी। आज हम इसी अभ्यास को बढ़ाएंगे और उसके लिए विशेष सोमान में टिकेंगे। मैं साइलेंस की शक्ति अर्थात मनसा पावरफुल स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर एक बाप की ओर लगाने वाली सिद्धि स्वरूप अंतर्मुखी आत्मा हूँ।
जिन आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं उनको बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर एक और ले लें वह स्थान वह पूरा एरिया वे सारे घर जिनमें वे आत्माएं रह रही हैं उस पूरे एरिया को एक ऑरे में ले आए उस पूरे एरिये को एक प्रकाश के ऑरे में लेकर उन सभी आत्माओं को परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का दान दें बैठ जाएं बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर एक ऊंची पहाड़ी पर बाप दादा से निकलती आसमानी रंग की ज्ञान स्वरूप किरणें रंग बिरंगी सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें बाप दादा से निकल निकल कर मुझ पर पड़ रही है बाप दादा से मुझ पर शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है
ये किरणें मुझसे होती हुई समस्त औरे में फैल रही है। इन किरणों का प्रभाव औरे के अंदर समाये हुए सभी स्थानों पर, सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। सभी आत्माएं इन शांति और पवित्रता की किरणों में नहाकर गहन शांति की अनुभूति कर रही है। ऐसा शांत वातावरण इस कलह युग में आत्माओं को कभी अनुभव नहीं हुआ था। वे आत्माएं उत्साहित होकर इस शांति के स्रोत की तलाश कर रही है।
वे ढूंढ रही हैं कि ऐसा सुखद और शक्तिशाली वायुमंडल जिसका अनुभव कर वे अति शांत और उनके विचार पवित्र बन रहे हैं। हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे उत्पन्न हो रही है। ये प्रेम का झरना कहाँ से बह रहा है? सभी आत्माएं उस स्थान को ढूंढ रही हैं उस स्रोत को ढूंढ रही हैं सर्वात्माएं अपने अपने घरों से निकलकर एक खुले मैदान में एकत्रित हो रही हैं। और जिज्ञासावश ऊपर आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऊंचे शिखर से आता ये दिव्य प्रकाश से भरपूर शक्तियों का झरना आत्माओं में
शांति, प्रेम, करुणा और पवित्रता की लहरें पैदा कर रहा है। वे आत्माएं भाव विभोर होकर इस शिखर की ओर देख रही हैं। जहां बाप दादा और मैं नन्हा सा फरिश्ता बैठे हैं। धीरे धीरे आत्माओं को इन रंग बिरंगी किरणों के स्रोत अर्थात बाप दादा का साक्षात्कार होने लगता है। अनेक आत्माएं चमचमाते, टिमटिमाते शक्तियों से भरपूर अनंत गुणों के समुंदर महाज्योतिष बाबा का साक्षात्कार कर रहे हैं। अनेकों आत्माओं को ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर द्वारा भृकुटिमेश बाबा का साक्षात्कार हो रहा है।
सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव और देवियों के रूप में बाप दादा का और मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। उनमें अपरम अपार श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रहा है। वे बारंबार अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा को नमन कर रहे हैं। उन आत्माओं के नैन अगाध प्रेम और श्रद्धा से भरकर छलक रहे हैं।
वे कलयुगी गुरुओं, पंडितों और महात्माओं को भूलकर एक शिव बाबा की याद में स्थित हो रहे हैं। उन आत्माओं को विशाल शिवलिंग के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा महाज्योति शिव बाबा का भी साक्षात्कार हो रहा है। आत्माएं भाव विवल होकर गा रही हैं, दिल के उद्गार व्यक्त कर रही हैं। कुछ भी रहा माना।
उन आत्माओं को सहज ही अनुभव हो रहा है कि अब तक परमात्मा की खोजने के जो भी रास्ते वे अपना कर चल रहे थे वे सभी गलत रास्ते थे। और गलत रास्ते पर चलकर अपना समय गंवा रहे थे। धन भी खर्च किया, शक्ति भी खर्च कर दी, पाया कुछ भी नहीं था। आत्माएं अपनी भूल का पश्चाताप कर रही हैं। उन्हें यकीन हो रहा है कि सदा काल का सुख शांति का वर्षा अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है।
ये परमात्मा ज्ञान देते हुए आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को खोज रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये दिव्य ज्ञान का प्रकाश? उनकी नजरें उत्सुकता से परमात्म परिचय कराती इन चैतन्य देवियों को तलाश रहे हैं। उनमें इन चैतन्य देवियों के प्रति अपार श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रहा है। और वह अनेक स्थानों पर जाकर बाबा के सेवा केंद्रों की तलाश कर रहे हैं। आत्माओं के चेहरे पर एक संतोष खुशी और आनंद की अनुभूति के लक्षण स्पष्ट दिख रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि ये हो न हो परमात्मा का ही इशारा है, परमात्मा का ही संदेश है। आत्म ज्योति जगाओ, आत्म ज्योति जगाओ।
बेहद के अखूट खजानों को प्रकृति की सेवा में सफल करने वाला बेहद विश्व सेवाधारी पवित्र फरिश्ता मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग में सैर कर रहा हूं। मुझ पर निरंतर परमात्मा से आती पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। और मुझ फरिश्ते को छूकर समस्त आकाश मंडल को पहुंच रही है। मुझसे निकलती ये पवित्र किरणें आकाश मंडल के द्वारा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। समुद्र जल तत्व को किरणें दे, मैं अहित करने वाली सर्व बातों परिस्थितियों को पल में समा लेने वाला समाने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र फरिश्ता मुझ फरिश्ते से सर्व अहितकारी बातों को समा लेने वाली शक्तिशाली किरणें निकलकर सागर में जा रही है और सागर जल द्वारा सारे विश्व को इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। सूर्य अग्नि तत्व को किरणें दे, मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिवाबा से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर समस्त संसार से विकारों का किचड़ा भस्म करने वाली शिव शक्ति मैं प्रकृति की सहयोगी आत्मा मुझसे निकलती ज्वलंत किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में निरंतर बिखर रही हैं और विश्व में व्याप्त बुराइयों को जलाकर खाक कर रही है। पृथ्वी तत्व को सकाश दे, मैं विकट ते विकट परिस्थितियों का सामना कर सहन कर लेने वाली सहनशीलता की देवी हूं। समस्त विश्व से विकारों की गंध दूर कर शुद्ध सात्विक खुशबूदार महकते फूलों की बगिया खिलाने वाले बागवान की मां हूं। मैं सृष्टि पृथ्वी तत्व में
शुद्ध विचारों का बीज बो रहा हूं। शुभ भावना और शुभ कामना का बीज बोकर धरनी को सात्विक विचारों से भरपूर कर रही हूं। वायु तत्व को पवित्र शक्तिशाली किरणें दे, पवित्रता की, शांति की, शीतलता से भरपूर किरणें समस्त वायुमंडल में फैलाने वाला शांति और पवित्रता से भरपूर पवित्र शांत स्वरूप फरिश्ता। मैं वायु मार्ग द्वारा समस्त विश्व में घूम रहा हूं। मुझसे छूकर हवा शुद्ध व पवित्र होती जा रही है। रूहानियत की खुशबू से भरपूर होकर संपूर्ण विश्व में पवित्र हवा की बयार अनवरत बहने शुरू हो गई है। चलो करें हम जीते।
चले।